वेलकम टू योर स्टॉक माई एनालिसिस सीरीज, जहां पर आप मुझे कमेंट में अपने स्टॉक का नाम बताते हो और मैं उसका प्रॉपर एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करता हूं और हम उसमें देखने की कोशिश करते हैं कि रिसेंट में हमको कहां ट्रेड मिल सकता है और उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन को यूज़ करके पूरा एनालिसिस करते हैं और उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। सो अब यार बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। तो हम आ चुके हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के वीकली टाइम फ्रेम पे के चार्ट के ऊपर। एंड आज की इस वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे मिली है श्रीकांत पांडे की तरफ से, तो एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। राइट, तो सबसे पहले देख सकते हो मैंने इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया और रिसेंट में ही इसका आईपीओ लिस्ट हुआ था और जब से इसका आईपीओ लिस्ट हुआ तब से हमको कंटिन्यूसली इसमें सेलिंग देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देख सकते हो जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जब इसका आईपीओ लिस्ट हुआ था, पहले वीक से ही हमको इसमें कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिल रही है। जो इसका ऑल टाइम हाई है, ऑलमोस्ट 800 का ऑल टाइम हाई है, तो वो आज तक इसमें ब्रेक नहीं किया। तो वहाँ पर मैंने क्या रेजिस्टेंस के लिए ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। इसके अलावा देख सकते हो नीचे में एक और मैंने ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था, एक काफ़ी क्रूशियल लेवल था, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। राइट, यहाँ पर देख सकते हो जब भी प्राइस ने इस लेवल को हिट किया, यानी कि इस ऑलमोस्ट 600 के लेवल को हिट किया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। हर बार प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले रही थी, जहाँ पर मैं कुछ ग्रीन एरो से आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ, लास्ट के अगर आप दो वीक को देखोगे तो यहाँ पर फाइनली हमको इस ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन के यानी कि 600 के नीचे भी क्लोजिंग दे दी प्राइस ने, लास्ट वीक दी थी। और फिर इस वीक में हमको देखो काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिल रही। राइट, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी यानी कि पूरा मार्केट अभी फॉल कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर भी हमको काफ़ी अच्छी सेलिंग इसमें देखने को मिल रही। तो क्या अभी हमको इसमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, हमारे लिए एक मौका या फिर धोखा है, उसके लिए हम इसको जानेंगे। राइट, तो सबसे पहले अब हम इसके छोटे टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसका लगाता हूँ डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। राइट, यहाँ पर देख सकते हो कि एक काफ़ी टाइम से एक ट्रेंड लाइन को प्राइस फॉलो कर रही थी, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। ओके, एक मैं जोन क्रिएट करता हूँ सिंपली, तो यहाँ पर देख सकते हो एक मैं जोन क्रिएट कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस लेवल था जिसको फाइनली इसने ब्रेक किया था। ओके, मैं इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। ओके, सो या अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक जोन को क्रिएट किया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला जोन, जहाँ पर मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया था जहाँ पर मैंने इसमें फ्रेश बैंक के लिए भी आपको बोला था डेफिनेटली, और हमारा इसके अंदर स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। ऐसा नहीं कि मेरे सिर्फ टारगेट हिट होते हैं, स्टॉप लॉस नहीं होते, डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट होते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था प्राइस एक्शन में कि यहाँ पर हमको एक ट्राइंगल पैटर्न हमको यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा था। राइट, यहाँ पर देख सकते हो प्राइस में काफ़ी टाइम से सेलिंग हो रही थी, जहाँ पर प्राइस नीचे वाले जोन के ऊपर 600 के ऊपर सपोर्ट ले रही थी और ऊपर वाला जो मैंने ये जोन क्रिएट किया इसके ऊपर हमेशा ये रिजेक्शन फेस करती है, वहाँ से हमको सेलिंग देखने को मिल रही थी। लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था और अच्छे वॉल्यूम के नीचे में आप वॉल्यूम देखोगे तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था, हैवी वॉल्यूम था, और यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तब मैंने आपको बोला था डेफिनेटली आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हो और स्टॉप लॉस मैंने सिंपली आपका 600 के नीचे स्टॉप लॉस आपको बताया था और डेफिनेटली हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, पर कुछ मेजर हमको कोई लॉस नहीं हुआ क्योंकि हमारी एंट्री हुई और काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मेरा टारगेट सीधा था, अगर यहाँ से प्राइस एक्शन इसका बदलता है, प्राइस यहाँ पर हायर बनाना स्टार्ट करेगी, तो फिर हमारा डेफिनेटली टारगेट काफ़ी बड़ा था, जहाँ पर हमारा टारगेट काफ़ी ऑल टाइम हाई तक हमारा टारगेट था और स्टॉप लॉस हमारा काफ़ी छोटा था, तो डेफिनेटली हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट हमारा हिट हो गया, 30 रुपये के आसपास आपका पर शेयर आपका लॉस हुआ होगा डेफिनेटली, अगर आपने ट्रेड लिया है तो, अदरवाइज आपका कोई लॉस नहीं हुआ। राइट, सो अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट होते ही हमको इतनी बड़ी सेलिंग इसमें देखने को मिली। राइट, तो ये हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो चुका। अब मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो क्या अभी हमको इसमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, तो डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्राइस एक्शन काफ़ी इसका बेरिश प्राइस एक्शन अभी हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर प्राइस अगेन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था 600 का जिसको इसने फाइनली ब्रेक किया है और उसके बाद हमको कंटिन्यूसली फिलहाल सेलिंग देखने को मिल रही है। राइट, तो क्या अभी हमको इसमें फ्रेश बाइंग करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमको इसमें फ्रेश बाइंग के लिए कब करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं होता, यानी कि अगेन प्राइस यहां से 600 का लेवल एक बार हिट करेगी, हिट करने के बाद हो सकता है रिजेक्शन ले, लेकिन जब तक कि ये 600 का लेवल ब्रेक नहीं होता और प्राइस यहां से कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाते हुए नहीं नजर आती, यानी कि प्राइस एक हायर हाई बनाती हुई नहीं नजर आती, तब तक आपको डेफिनेटली इसमें हाथ भी नहीं लगाना है, इसको आपको टच भी नहीं करना। राइट, जब तक एक बार प्राइस यहां पर हायर हाई इस टाइप का पैटर्न अगर बनाना स्टार्ट करती, फिर उसके बाद हम इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हो, फिर हमारा टारगेट हम अपने हिसाब से सेट करेंगे। उसके लिए मैं और भी पर्टिकुलर
वीडियो बनाऊंगा बाद में, जहां पर प्राइस अगर कुछ बुलिश मोमेंटम देती है डेफिनेटली मैं आपको कुछ ट्रेड दूंगा इसके अंदर। लेकिन उसके लिए क्या अभी आपको वेट करना, अभी आपको इसको टच भी नहीं करना है, राइट। अभी आप इसमें अगर फ्रेश बाइंग करते तो डेफिनेटली आप इसमें फंस सकते हो, राइट। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, फिलहाल आपको वेट करना है। एक बार प्राइस बस हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दे, 600 के लेवल को ब्रेक कर दे, उसके बाद अगर बुलिश मोमेंटम देती तब हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, फिलहाल आपको वेट करना। आई होप कि ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होगी, काफी सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसे लेटेस्ट लॉजिकल ट्रेडिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें, ताकि ऐसे एनालिसिस वीडियो आपसे मिस ना हो, टाइम पे इन सारी चीजों को देख पाओ और देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर पाओ। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे स्टॉक के साथ।